हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों ये एक नया मेरे पास इसका इंक्वायरी आया था कि ये एक का डिमांड आया था कोरल का, जो मैंने आपको बताया इसमें भी शेयर करना चाहता हूँ मैं आपको। ये प्रवाल होता है दोस्तों, कोरल जैसे सी कोरल कहा जाता है, जो समुद्र में पाया जाता है। ये काफ़ी अद्भुत औषधि है, मतलब ये प्रवाल पिष्टि हो, प्रवाल पंचामृत हो, प्रवाल भस्म हो, सब इसी से बनता है। ये रॉ मटेरियल में आता है दोस्तों, ये मेरे पास अवेलेबल है। जिस किसी को भी ये ज़रूरत हो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। 100% प्योरिटी का आपको एश्योरिटी मिलता है और ये काफ़ी अच्छे रोगों में काम आता है। यानी जिन लोगों को गर्मी है शरीर में, जिनका पित्त बढ़ता है, बॉडी फैट ईजी नहीं जा रहा है, जो स्टबन बैली फैट होता है, गर्मी ज़्यादा है, उन पर ये प्रवाल काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसके गुणधर्म और इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स तो वैसे दोस्तों कुछ नहीं है इसके, क्योंकि आयुर्वेदिक में जितनी भी औषधियाँ होती हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। और ये प्रवाल जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको इसको जूम करके बताऊं, अगर थोड़ा आपको क्लियर हो, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन चीज़ों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी ड्राई है, यानी ये सूख चुका है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, पर आप इसको घर पर डेकोरेट करके भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा काम करता है। और प्रवाल भस्म जब इसकी बनाई जाती है तो ये फीमेल्स में WD और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनबैलेंस होता है उस पर भी काफ़ी अच्छा काम करता है। मैं आपको दोबारा जूम करता हूँ दोस्तों, आपको ये ध्यान से आप पोर्स देखिएगा, इसमें काफ़ी अच्छे पोर्स हैं, बारीक पोर्स हैं, जो इसका ऑक्सीजन लेवल बना के रखते हैं। जब ये सी के अंदर होता है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इसके अंदर छोटे छोटे जीव भी निकलते हैं, अभी तो क्या हम लोगों के पास ये साफ़ करके आता है, पर इसके अंदर छोटे छोटे सी क्रिएचर्स भी होते हैं, उनका भी उपयोग होता है आयुर्वेदिक में। मतलब आयुर्वेदिक ऐसा ग्रंथ है जो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है और हर चीज़ वो उपयोग में लेता है। तो जैसा मैंने आपको दोस्तों बताया, प्रवाल ये एक ही साइज़ और रंग में आता है मेरे पास, डिफरेंट रंग और डिफरेंट साइज़ में ऑर्डर पर आते हैं, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। जिस किसी को भी चाहिए आप एक बार मेरे से इंक्वायरी करें। ये मेरे पास आया था, न्यू स्टॉक आया है, तो मैंने सोचा आप लोगों को व्लॉग में ऐड करूं। आने वाले दोस्तों व्लॉग्स में आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताऊंगा, सभी चीज़ें जो विलुप्त हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को पसंद आते हैं मेरे व्लॉग्स, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के लिए।